अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। इसका सबसे पहला टॉपिक है थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे पास हर वो चीज़ होती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी होती हैं, या जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, हम जो है उस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इंक्लूड्स एनी थिंग हुज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ इंटरेस्ट। थर्मोडायनामिक का मतलब है थर्मो मीन टेम्परेचर, डायनामिक्स के टेम्परेचर के हिसाब से किसी सिस्टम की डायनामिक किस तरीके से चेंज होती है। तो जो भी सिस्टम हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन होता है, जिसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी चीज़ हमारे वो उसको हम सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम के साथ जो इसके इर्द गिर्द जो कुछ होता है, वो उसकी सराउंडिंग या एनवायरनमेंट होता है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ सिस्टम जो है वो अपनी हीट एक्सचेंज करता है, या तो सराउंडिंग में हीट रिलीज़ करता है या सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह वर्क डन भी समटाइम्स वो सराउंडिंग का जो है उस पर वर्क डन करता है, समटाइम्स सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करती है। और इट्स एनवायरनमेंट, और जो आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग या एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में जो आपके पास एक डिफरेंस होता है, हम उसको इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि वो हम उसे बाउंड्री कहते हैं, जो सिस्टम और एनवायरनमेंट को एक दूसरे से सेपरेट करती है। जैसे फिगर 10.3 के अंदर इन्होंने शो किया हुआ है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के अक्रॉस, सिस्टम येलो कलर से शो किया हुआ है, उसके अक्रॉस एक लाइन सी ड्रॉ की हुई है, जिसको इन्होंने कहा है कि ये उसकी बाउंड्री है और उसके बाहर जो कुछ है वो सराउंडिंग है। ठीक है, तो आपके पास रियलिटी में जो आपके पास सिस्टम होता है, और वो जो ही हम अपना सिस्टम डिफाइन करते हैं कि ये हमारा सिस्टम है, उसके बिल्कुल नेक्स्ट ही जो है वो आपके पास सराउंडिंग होती है। सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, उनके दरम्यान में ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कार इंजन की बात करें, तो कार इंजन के अंदर जो बर्निंग गैसोलीन होती है सिलेंडर ऑफ द इंजन के अंदर, वो हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है। और जो पिस्टन, एग्जॉस्ट सिस्टम, रेडिएटर और एयर आउटसाइड जो होते हैं, वो सब क्या बनाती हैं? सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो आपके पास फिर आप ये कह सकते हैं कि जो बाउंड्री जो है वो आपके पास, लेट्स सपोज अगर आप एक गैस अगर आपकी सिलेंडर के अंदर बंद है, तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो हम उसकी हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। और उस जिस सिलेंडर के अंदर वो बंद है, वो आपकी उसकी इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर है, और जो हमारा पिस्टन है, ये जो है इनर फेस ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन जो है। अच्छा, तो फिर हमारे पास जो गैस इनर सिलेंडर है, फिर आपके पास इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन जो है वो हमारी बाउंड्री बनाएगी, जैसे इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है, और उसके इर्द गिर्द जो कुछ है वो हमारी सराउंडिंग है। तो आपके पास कोई भी चेंज या सीरीज ऑफ चेंज किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर आता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स को हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सिस्टम के बारे में हमने देख लिया कि सिस्टम क्वांटिटी ऑफ मैटर या रीजन ऑफ स्पेस, मतलब वो जो मैटर या वो स्पेस रीजन का रीजन ऑफ स्पेस जहाँ जिसका बिहेवियर हमें स्टडी करना होता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे गैस इनक्लोज है ना सिलेंडर, और सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम हर वो चीज़ जो सिस्टम के बाहर जो कुछ यूनिवर्स के अंदर है, वो उसकी सराउंडिंग कहलाती है। इसी तरह आपके पास बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम वो होती है जो सेपरेट करती है सराउंडिंग को और सिस्टम को आपस में। इन थर्मोडायनामिक जो आपके पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, वो बाउंड्री के थ्रू होता है। और थ्रू द बाउंड्री बाय द परफॉर्मेंस और वर्क और द हीट फ्लो, मतलब जो आपके पास एनर्जी के अंदर चेंज होता है, या तो वो हीट के फ्लो की वजह से होता है या तो फिर वर्क की वजह से होता है। तो सिस्टम की भी फिर आगे आपके पास टाइप है। क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी मास जो है क्रॉस द बाउंड्री जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के दरम्यान में कोई भी मास का एक्सचेंज नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास, मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले ली है, कि प्रेशर कुकर में इसके बाहर से उसके आप अगर आपने नीचे आग लगाई हुई है, तो उससे हीट तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन कोई भी मास उधर से बाहर नहीं निकल रहा। तो मास नहीं बाहर निकल रहा होता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है क्लोज सिस्टम में, लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो है वो क्लोज सिस्टम है। इसके अलावा फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने करनी है, जिसमें आपको ये बता इसका रीज़न आपने बताना है कि इन्होंने कहा हुआ है कि एक एम्प्टी पॉलीथीन बैग है, वो अगर आप उसको फ्लेम पे रखें, चूल्हे के ऊपर रखें, तो वो जल जाता है, जबकि अगर आप उसके अंदर पानी डाल के या फिर अगर आप उसके अंदर कोई भी
चाय बनाना चाहें तो उसका मटेरियल डाल के अगर आप उसको पॉलीथीन बैग को फ्लेम पे रखें तो वो नहीं जलता, बल्कि उसके अंदर आप चाय भी बना सकते हैं। पहली बात एक ये वाला आपने करना है, और पॉइंट टू बॉर्डर का रीज़न आपने बताना है कि अगर आप एक वाइट पोर्सलिन डिश लें और उसके ऊपर एक इंक का स्पॉट लगाएं, और फिर उसके बाद उसको उस पोर्सलिन डिश को काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर रखें, तो आप देखेंगे कि डॉट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसका रीज़न आपने बताना है। फिर एक आपके पास ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम वो होता है जो कि मैस ट्रांसफ़र कर सकता है क्रॉस हीट बाउंड्री। इसमें आपके पास जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी होती है और मैस भी ट्रांसफ़र होता है। जिस तरीके से आप इसके एग्जांपल में आपके पास एक बॉइलिंग टी केटल आ जाती है जिसकी नोज़ल से जो है वो आपके पास वेपर्स जो है ना वो भी बाहर निकल रहे होते हैं और हीट भी एक्सचेंज कर रहा होता है। आइसोलेटेड सिस्टम पे वो जो सिस्टम होता है जो कि ना मैस ना ही एनर्जी अपनी सराउंडिंग से क्रॉस द बाउंड्री ट्रांसफ़र करता है। मैस और एनर्जी दोनों उसके अंदर ना इंटर हो सकते हैं ना ही उससे लीव कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर एक वेल इंसुलेटिंग थर्मो फ्लास्क हो, वो हमारे पास एग्जाम्पल है जो है आइसोलेटेड सिस्टम की। फिर हमारे पास होते हैं थर्मो डायनामिक स्टेट एंड थर्मो डायनामिक स्टेट वेरिएबल। तो अगर आपके पास किसी का सिस्टम है, अगर आपने उसकी स्टेट को डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये स्टेट ऑफ द सिस्टम बताते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो वेरिएबल या फंक्शन जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफ़ाइन करें, उनको हम स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। अगर सिस्टम होमोजेनियस हो, होमोजेनियस होने का मतलब यह है कि हर पॉइंट पे उसकी कंपोजिशन, उसकी डेंसिटी वगैरह सेम है, तो हमें तीन चीज़ें काफ़ी होती हैं सिस्टम की स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए, जिन्हें हम नॉर्मल वॉल्यूम प्रेशर या टेम्परेचर कहते हैं। तो जो तीनों टर्म्स के दरमियान जो रिलेशन है, उस रिलेशन की जो इक्वेशन है, उसे हम इक्वेशन ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो ये रिलेशन जो है वो आपके पास इस टाइप का रिलेशन सॉलिड एंड लिक्विड के लिए एग्जैक्टली नॉन नहीं है, ना ही नॉन होमोजेनियस मीडियम्स के लिए, मतलब ऐसा मीडियम जिसकी कंपोजिशन हर पॉइंट पे सेम ना हो, उनके लिए नॉन नहीं है। सिर्फ आइडियल गैस के लिए नॉन है, जो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, जो कि आपने काफ़ी फेमस इक्वेशन आपने देखी हुई है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। एन नंबर ऑफ मोल है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, और आर जो है वो कॉन्स्टेंट है। और एक और एग्जांपल भी है आपके पास स्टेट वेरिएबल की, इंटरनल एनर्जी, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने करना है वो ये है कि आपने ये बताना है कि वाई डू हील क्रैक्स इन विंटर, मतलब विंटर्स के अंदर क्यों हील्स क्रैक हो जाती है, और जब अगर उसके ऊपर हम कोई मॉइस्चर या लुब्रिकेंट लगाते हैं तो वो किस तरीके से हील्स को बेहतर करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। इन थर्मो डायनामिक सिस्टम प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी चेंज प्रोड्यूस होता है किसी भी वजह से इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो जो कि स्टेट वेरिएबल्स के अंदर चेंज लेके आता है, वो आपके पास प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और प्रोसेस तब होता है जब सिस्टम अपने इंटरेक्ट करती है विद इट्स सराउंडिंग, या उसके सराउंडिंग के साथ जो है वो हीट को एक्सचेंज करती है। तो प्रोसेस रिवर्सिबल है अगर हम ये कहें कि वो एक्जैक्टली रिट्रेस हो सके इनवर्स डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में आपका प्रोसेस हुआ है और आपको अगर उसे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस कर सकें विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, तो वो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास सिस्टम उन्हीं सब चेंजेस में से गुजरता है जिसमें वो डायरेक्ट प्रोसेस में से गुजरता है। डायरेक्ट प्रोसेस का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर सपोज आपके पास गैस एक्सपेंड की है, ठीक है, एक गैस इधर सिलेंडर थी और वो गैस एक्सपेंड किया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, तो फिर उसके बाद आप वापस उसको अपने इनिशियल वॉल्यूम में लेके आए, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज़ वाला प्रोसेस था जो पहले हुआ था वो डायरेक्ट प्रोसेस है, और जब आप उसको वापस प्रेशर अप्लाई करके इनिशियल वॉल्यूम पर लेके आए तो वो रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस के अंदर सिस्टम उन्हीं सेम चेंजेस से गुजरता है जो डायरेक्ट प्रोसेस में गुजरता है, और उन्हीं स्टेट्स में से गुजरता है जैसे वो डायरेक्ट प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन जितने थर्मल या मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाते हैं हर स्टेज पे, मतलब अगर किसी पॉइंट पे डायरेक्ट प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई है तो रिवर्स प्रोसेस में उसी पॉइंट के ऊपर हीट रिलीज होगी, और अगर डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर जो है वो वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम, तो आपके पास रिवर्स प्रोसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। इन प्रैक्टिस आपके पास कोई भी एक्चुअल ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि रिवर्सेबल हो,
लेकिन नॉर्मली जो बहुत स्लोली अकरिंग प्रोसेसेस होते हैं हम उनको रिवर्सिबल कंसीडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे लिक्विफिकेशन एंड वेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब अगर सब्सटेंस लिक्विफाई कर रहे हो, लिक्विफाई मतलब लिक्विड में चेंज हो रहे हो या वेपोरेट कर रहे हो, और अगर आप उसे स्लोली परफॉर्म करें तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर वो रिवर्सिबल है अगर आपने प्रेशर जो अप्लाई किया है जिसकी वजह से गैस जो है वो कंप्रेस हुई थी, अब वो प्रेशर अगर आप आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर दें बाय स्लोली डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन तो वो भी रिवर्स हो सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो है जिसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रिट्रेस ना कर सके बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, मतलब वो जो फैक्टर्स जिनकी वजह से वो पहले उसकी स्टेट चेंज हुई थी उनको रिवर्स करके आप उसको इनिशियल स्टेट पे ना ला सके, उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। जितने भी चेंजेस नॉर्मली हमारे इर्द-गिर्द होते हैं जो सडनली होते हैं जो अचानक होते हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे फ्रिक्शन या डिसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन आर इरिवर्सिबल। तो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हमारे पास एक्सप्लोजन है, मतलब एक्सप्लोजन बिल्कुल इरिवर्सिबल है, आप उसको रिट्रेस नहीं कर सकते। तो सीरीज ऑफ प्रोसेस जो कि ब्रिंग बैक करे सिस्टम को टू द इनिशियल स्टेट, तो मतलब पहले सिस्टम को इनिशियल स्टेट पे वापस लेके आए तो हम उसे साइकिल कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपके पास अ सिस्टम विच गोज थ्रू अ सक्सेशन ऑफ साइक्लिक, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस हों या सक्सेशन हो एक के बाद दूसरा, तो उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं।